अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रोटी बिना आटा गूंदे, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ मैंने लिया है एक कप आटा, गेहूं का आटा, और यहाँ हमने डाल रहे हैं एक कप दूध। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो रोटी बहुत ज़्यादा नरम और अच्छी बनती है। अगर आप नहीं भी डालना चाहते हो तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हैंड बीटर की मदद से इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख रहे हो, इस तरीके से आपको फाइन पेस्ट बना लेना होगा। इस तरीके का आपका कंसिस्टेंसी रहना चाहिए बैटर की। उसके बाद आपको एक पैन लेना होगा और पैन को आपको स्लो आंच पे रखना होगा। उस पर आपको ना तेल, ना घी, ना बटर, कुछ नहीं ऐड करना होगा। डायरेक्ट आप जैसे डोसा बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपको एक स्पून में बैटर को लेते हुए रोल कर लेना होगा। एक तरफ जब यह हल्का सा ब्राउन हो जाए तब आप इसे पलट लीजिए। उसके बाद दूसरी तरफ, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, दूसरी तरफ अच्छे से पका लेते हैं, उसी तरीके से आपको पका लेना होगा। उसके बाद आपको इसे पलट लेना होगा। 5 मिनट लगता है एक रोटी बनने के लिए और बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो आप देख रहे हैं, मेरी रोटी बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से मैंने सभी रोटियों को प्रिपेयर कर लिया है। तो आप देख रहे हैं, मेरी रोटी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुई है, बहुत ही नरम बनी है। तो आप भी ज़रूर इस तरीके की रोटी बनाइए। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।